दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका अपने इस न्यू वीडियो में। अर्कम, बिल्कुल हाँ, आप सही नाम सुन रहे हैं। अर्कम ये एक नया एयरड्रॉप आया है और ये टेस्टनेट इसका चल रहा है, और यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स मिलने वाले हैं जिसके थ्रू हमें अर्कम टोकन्स कलेक्ट करने का मौका मिलेगा बिल्कुल ही फ्री में। तो सारे के सारे चीज़ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। और ये जो प्रोजेक्ट है ये बाइनेंस लॉन्च पैड में लॉन्च होने ही वाला है। मैं आपको बाइनेंस पे एक बार इसको दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? आप एक बार चेक कर लेंगे। बाइनेंस हम लोग ओपन कर लेते हैं और बाइनेंस में हम लोग इसको दिखा मैं आपको दिखा देता हूँ। अर्कम यहाँ पे लिखेंगे आप सर्च बार में, यहाँ पे आप लिखिए अर्कम, ठीक है? ये एक प्रोजेक्ट है न्यू लॉन्चिंग, इनके लॉन्च पैड में आ गया है। जस्ट ये देखिए, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखने वाला है वो सारी चीज़ें आप लाइव देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है? तो बिल्कुल पहले तो देखिए, आप इसको फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे, और इनके लॉन्च पैड पे चलते हैं हम लोग, ठीक है? लॉन्च पैड पे चलते हैं और लॉन्च पैड पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनका क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे सर्च बार में आपने टाइप करना है लॉन्च पैड, ठीक है? लॉन्च पैड पे बाइनेंस जो लॉन्च पैड होता है उस पर जो हमारे टोकन्स नए लॉन्च होने वाले होते हैं उनके बारे में आता है। तो लॉन्च पैड में आप पहला ही टोकन देखेंगे अर्कम, जिसका मैं टेस्टनेट एयरड्रॉप आप सबके सामने लाया हुआ हूँ। और ये देखेंगे आप, यहाँ से 4 दिन बाद ये अपना सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होने वाला है। और अर्कम इज़ ए इंटेल टू अर्न टोकन पावरिंग द डी नॉनमाइजेशन ऑफ ब्लॉकचेन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है? तो यहाँ पे इनका ये आ चुका है पैंडल का, आपका ये पता है इस टाइप का आ चुका है, ठीक है? तो यहाँ पे अर्कम इसका आ चुका है जो बाइनेंस सपोर्टेड है, बाइनेंस लॉन्च पैड में आना है, बाइनेंस पर लिस्टिंग होगी। तो आपको यहाँ पे मैं सीधे सीधे यहीं इसी चीज़ पे लाया हुआ हूँ, ठीक है? तो फ्रेंड्स, सिंपल है बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे ईमेल आईडी आपको डालनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके ईमेल आईडी डालेंगे, फर्स्ट नेम डालेंगे, यहाँ पे लास्ट नेम डालिएगा, यहाँ सेक्टर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप ट्रेडर या इन्वेस्टर में से सेलेक्ट कर लीजिएगा एक, है ना? कंपनी को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, यहाँ पर टिक कीजिएगा और ज्वाइन वेट लिस्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। इतना करने के बाद आपको आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक जाएगा, वो लिंक पर क्लिक करके आपने उस लिंक को ओपन कर देना है। अपने कीवी ब्राउज़र या मिसेज ब्राउज़र में आप ओपन करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि वहीं पर ज़्यादातर एक्सटेंशन के और एयर ड्रॉप्स के काम बहुत इजीली हो जाते हैं, ठीक है? तो जैसे ही आपने वहाँ पे दोस्तों वेट लिस्ट को ज्वाइन किया, तो यहाँ पे आपको वेट लिस्ट के थ्रू एक लिंक आया हुआ है, और ये ये 30 दिनों के लिए वर्क करेगा। बट लेकिन यू आर नाउ एन एक्सेस द अर्कम प्लेटफॉर्म, यूज़ लिंक बिलो टू क्रिएट एन अकाउंट। अब आपको अकाउंट क्रिएट करना है तो आपने ये इस लिंक को यहाँ से कॉपी करना है, वहाँ से आपने ज्वाइन वेट लिस्ट किया, यहाँ से कॉपी कर लेना है इस यूआरएल को, ठीक है? और इसको आपने कहाँ पे ओपन करना है दोस्तों? कीवी ब्राउज़र में। ये कीवी ब्राउज़र है, कीवी ब्राउज़र में इसको ओपन कर लेते हैं। और मेरा ग्रास एक्सटेंशन का वीडियो मैंने आपको जस्ट प्रोवाइड किया, उसका एक वो चल रहा है, वो रेगुलर चलता रहेगा, है ना? वो ये भी यहाँ पर माइनिंग चल रही है मेरी। देखिए, मोबाइल को यूज़ कीजिए सर पैसा बनाने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर आपको ये दिख गया, ठीक है? डिस्प्ले नेम में यहाँ पर आप अपना ये पूछ रहा है, मैं आपको क्या बोल सकता हूँ, तो अपना नाम डाल दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए, कन्फर्म पासवर्ड डाल दीजिए, साइनअप कर लीजिए, ठीक है? यहाँ तक कर लीजिए कंप्लीट। जैसे ही दोस्तों आपने यहाँ पे इसको साइनअप किया, आपके सामने ये डैशबोर्ड का पूरा ओपन हो चुका है। अर्कम का अर्कम कंप्यूटर के नाम से यहाँ पे पूरा का पूरा शो हो चुका है ना? ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं, और ये पूरा का पूरा मतलब डैशबोर्ड आपके सामने इस तरीके का आ रहा है, ठीक है? अब आपको यहाँ पर क्या काम करना है, कैसे करना है, मैं पूरा का पूरा बता रहा हूँ। अब बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, यहाँ पर सारे कॉइन्स के प्राइस वगैरह यहाँ पर शो कर रहे हैं आपको, ठीक है? किस तरीके से आपने एयरड्रॉप में भाग लेना है वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड शो हो रहा है ना, यहाँ पे अर्कम पे आपने क्लिक किया हुआ है। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों डैशबोर्ड का, डैशबोर्ड पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही डैशबोर्ड बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा न्यू डैशबोर्ड का, है ना? दिख रहा है आपको, न्यू डैशबोर्ड पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे न्यू डैशबोर्ड पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने काफ़ी सारे डैशबोर्ड्स ओपन हो जाने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पे काफ़ी सारे डैशबोर्ड्स आपके सामने, काफ़ी सारे चीज़ें आपको ऑप्शन ओपन ओपन होने होने वाली है। प्रोसेस को बिल्कुल वीडियो को देख के कीजिएगा तभी समझ आएगा। उसके लिए प्लस के साइन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, न्यू डैशबोर्ड पे आपने क्लिक किया, न्यू डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, उस प्लस के साइन पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से कुछ इंटरफेस नज़र आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले मैंने अपनी जो स्क्रीन है इसको डेस्कटॉप साइड पे कर लिया, क्योंकि सारे ऑप्शंस नहीं दिख रहे थे मुझे मोबाइल स्क्रीन पे।
तो यहाँ पे अब मैं दोबारा से उस ऑप्शन को कर रहा हूँ, डैशबोर्ड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए न्यू डैशबोर्ड का ऑप्शन आ जाता है, इस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे एक प्लस का साइन आ गया। ये आप लोगों को यहाँ तक मैं पहले ही ले जा चुका था, ले जा चुका इनके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे सेलेक्ट है, यूनिट का ऑप्शन आ गया। तो लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन जो पहला है ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक करने वाला हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको सामने तीन ब्लैंक स्पेस आ रहे हैं। क्या क्या स्पेस आ रहे हैं? पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। तीन स्पेसेस ब्लैंक आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये कुछ एड्रेसेस मांग रहा है, आप पढ़ेंगे इसे ध्यान से तो यू विल सी ट्रांसफ़र फ्रॉम और टू दीज एंटिटीज एड्रेस, यू मे ऐड मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तीनों जगह पर आपको इथेरियम रिसीविंग फ्रॉम, तो इथेरियम का जो एड्रेसेस हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पे तीनों जगह पर आपने इथेरियम एड्रेसेस डाल देने हैं। और कौन सा मॉडल डालना है? अपने मेटा मास्क का एड्रेस डालना है। अपने मेटा मास्क में मैं आ चुका हूँ और मेटा मास्क में इथेरियम मेननेट नेटवर्क का ये जो मेरा एड्रेसेस है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस एड्रेस को मैं कॉपी करके ले जाता हूँ यहाँ पे ऑप्शन पे और तीनों जगह पे मैं यहाँ पे ये एड्रेसेस पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तीनों जगह पे मैं सेम एड्रेसेस पेस्ट कर दूँगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो इस ऑप्शन में आपने कुछ नहीं करना है, इस ऑप्शन में भी आपने कुछ नहीं करना है और यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है विश टोकन्स पे। बट यहाँ पे आपको चेन इथेरियम पे सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना और यहाँ पे आपको सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे ये पहला टास्क, पहला जो हमारा जो टास्क था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। पहला टास्क जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया है, ओके। इसके बाद हम सेकंड टास्क करते हैं। सेकंड टास्क में हमने क्या करना है? फिर हमने दोबारा से डैशबोर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है। डैशबोर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फिर हमारे को न्यू डैशबोर्ड का ऑप्शन आएगा। न्यू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे जैसे ही तो फिर ये प्लस का निशान आएगा, ये पहले हम कर चुके हैं, सेम एज इट इज़ रिप्लाई कीजिएगा। फिर लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन पे, मतलब हमने दोबारा से वही काम करना है और यहाँ पर जो एड्रेसेस हैं वही अपना इथेरियम वाले एड्रेसेस को जो आपने कॉपी कर रखा होगा उसको पेस्ट कर देना तीनों में। जो पहले किया था उसको दोबारा से कर लेना, ठीक है। तीनों में मैंने ये एड्रेसेस पेस्ट कर दिए हैं, ठीक है, आप भी कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ये रहने दीजिएगा, ये रहने दीजिएगा, पहले भी रहने दिया था, अब यहाँ पे हमने पहले नहीं डाला था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे इथेरियम यानी, है ना, ये सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही करेंगे तो ये यहाँ पे दिखाएगा इथेरियम, तो हम इथेरियम को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमने पहले यहाँ चेन इथेरियम किया था बट यहाँ पे अभी चेन ऑल रहने देंगे और इस ऑप्शन को हम लोग कर देंगे सेव, ठीक है। तो ये हमारा जो है सेकेंड टास्क भी यहाँ पर कम्प्लीट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दो टास्क लाइव करके दिखा चुका हूँ, ठीक है। अब तीसरे टास्क की तरफ, तो फ्रेंड्स इसके थर्ड टास्क में हमें क्या करना है, मैं दोबारा से देखिए क्योंकि वेबसाइट स्क्रीन छोटा हो जाता है इसलिए मैं जूम कर करके दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा अब हमें डैशबोर्ड वगैरह पे नहीं जाना है, अब ये देखिए यहाँ पे नाम दिखा रहा है ना, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है मेरा नाम लिखा हुआ है, इस नाम पे मैं करता हूँ क्लिक, ठीक है। क्लिक करने के बाद ही हमें इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे को ये अलग अलग तरह के ग्राफ्स वगैरह चार्ट्स वगैरह यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे एक ब्लू टिक आपको दिख रहा है, ये प्लस का निशान दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन है ना, तो ये प्लस के निशान पे मैं करता हूँ क्लिक, ठीक है। जैसे ही मैंने प्लस के निशान पे क्लिक किया तो अब मेरे सामने ऑप्शन आएगा इस तरीके का, ठीक है, ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा मेटा मास्क पर, ठीक है, मेटा मास्क पर मैंने क्लिक कर दिया। मेटा मास्क पर मैं चेन ऑल पर रहने दूँगा, मेटा मास्क पर क्लिक किया है और चेन ऑल पर रहने दूँगा। उसके बाद ये बोल रहा है कनेक्ट करेंट अकाउंट, ठीक है, तो इस पर क्लिक कर देंगे और ये ले जाएगा हमें सीधे मेटा मास्क पे, कनेक्ट कर देगा हमारे मेटा मास्क एक्सटेंशन को। यहाँ पासवर्ड डाल के अपने मेटा मास्क को कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये इस तरीके से आपका जो मेटा मास्क का पासवर्ड डालने के बाद आप नेक्स्ट नेक्स्ट का ये ऑप्शन कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे इस वॉलेट को। ये सक्सेसफुली बिल्कुल मेरा कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। और सक्सेसफुली कनेक्ट होने के बाद अब मैं दोबारा से अपने उसी उसमें जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मेरे यहाँ पे कनेक्टेड जो है ना वो दिखा देगा। अभी मेरे देखिए इथेरियम में कुछ बैलेंस है नहीं तो यहाँ पे इसलिए 0-0 दिखा रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपका कोई बैलेंस होगा तो यहाँ पे बैलेंस आपको दिखाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो डैश दिख रहा होगा आरकम डैशबोर्ड अलर्ट्स विजुलाइजर, तो विजुलाइजर बटन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर एड्रेस डालने का ऑप्शन आएगा, एक एड्रेस डालने का ऑप्शन मांगेगा ये आपसे। यहाँ पर देखिए सर्चिंग में एक सर्च बार आपके सामने आ गया, यहाँ पे आपको इथेरियम का अपना दोबारा से मेटा मास्क को ओपन करना है और इथेरियम वाला जो एड्रेस है, ठीक है, इथेरियम वाला जो एड्रेस था आपका वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। दोबारा से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं उसको और उसके बाद फिर दोबारा से इस एड्रेस को हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। जो इथेरियम का एड्रेस था वो यहाँ पर देखिए, ये इथेरियम का एड्रेस है
इसको दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये कॉपी हो गया है और यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद जैसे मैंने इसको पेस्ट किया तो यहाँ पे ये आ चुका है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे जो मतलब पूरा क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं वो सब कुछ यहाँ पे सारा कुछ दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल आपके कुछ टास्क थे जो मैंने अरकम के आपको बता दिए थे। इसके बाद आप अरकम पे एक बार क्लिक करते हैं तो अरकम पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये सारा जो प्रोफाइल है वगैरह है, आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आप एक बार ऊपर आके देखेंगे तो आप मैक्सिमम 10 लोगों को ही इन्वाइट कर सकते हैं और ये जो टेस्टनेट के टास्क हैं इसको कम्प्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा यहाँ से प्रॉफिट निकल सकता है। तो सिंपल सा कुछ टास्क हैं, इसमें आपको कुछ ऐसा नहीं है कि कोई माइनिंग करनी है, कुछ करनी है। एक एयर ड्रॉप टास्क है वो कंप्लीट, अगर आपने कर लिया वीडियो को प्रॉपर अच्छे से देख के तो आप यहाँ पे सीधे सीधे इससे यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच।